तो गाइस यार कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, 24 का फिल्म फेयर अवार्ड आ गया और यार इसे देखने के बाद मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि यार एक ही चीज तुम बार बार दोहरा के अपनी गलतियों पे कितना पर्दा डालोगे। एक टाइम था यार जब हम यार फिल्म फेयर अवार्ड को यार बैठ के देखा करते थे फैमिली लोगों के साथ, और हमें यार ये एहसास होता था कि यार सच में यार टैलेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इन एक्टर्स के लिए, क्योंकि यार जो टैलेंट वो दिखाते थे यार वो सच में एब्सोल्युटली दिल से तारीफ निकलती थी। और कोई ऐसा नहीं था कि यार जहाँ पे मैं दिखाई पड़ा हो कि यार इसे भेदभाव किया गया है। एक टाइम था जब हम यार फिल्म फेयर अवार्ड्स को यार फैमिली के साथ बैठ के देखा करते थे, बट यार अब उतना ही घिनौना हो गया है ना, इसे यार फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं और ना ही इसके ऊपर बात कर सकते, क्योंकि यार बात करना भी इतना घिनौना हो गया है कि यार अब मतलब बात ही क्या करें, ऐसे शब्द निकलते हैं। और इसका सबसे मेन रीजन है नेपोटिज्म, क्योंकि यार मतलब तुम कितना भी पर्दा ढक लो अपने ऊपर, बट यार सच्चाई पब्लिक के सामने आ ही जाती। इसकी हकीकत तो यार दुनिया ने तब देखी जब यार सुशांत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे। एक वही टाइम था जब हमने देखा था कि यार किस तरीके से ऑडियंस जो है वो रिस्पेक्ट करती है, एज भले ही वो छोटा कास्ट हो या हो बड़ा कास्ट। ठीक उसी के बाद जब ये लोग बॉयकॉट होना चालू हुए तब इन्हें थोड़ा समझ में आया कि नहीं, जनता प्रायोरिटी पे है, मतलब कि यार क्या करे यार, तब तक तो इन्होंने यार तालाब गंदा कर दिया था, अब बात ही क्या करे। खैर अब बात कर लेते हैं यार इस साल के फिल्म फेयर अवार्ड की। तो यार सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर कपूर को। ठीक उसी के बाद यार ऑडियंस जो है वो कड़ा विरोध कर रही है कि यार तुम यार भेदभाव करना कभी नहीं छोड़ोगे, बट क्या करे यार ऑडियंस का तो खून ही नहीं खोल रहा है, आखिर करें क्या, खून ठंडा पड़ गया भाई ठंडी की वजह से। छोड़ो, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार विक्रांत भाई को क्यों नहीं अवार्ड मिला। देखो भाई यार मैं यार रणवीर कपूर के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैं यार विक्रांत के साइड हूँ, मैं यार एक आपको जेन्युइन सा रीजन देता हूँ। तो देखो यार ट्वेल्थ फेल एक ऐसी मूवी थी जो कि यार बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस बहुत सारे कास्ट को मिला के यार हमें एक रेसिपी परोसी गई थी, बट यार वही देखा जाए तो एनिमल एक वन एन आर्मी था, मतलब एक अकेला ऐसा बंदा जिससे सपोर्टिंग एक्टर एक्ट्रेस मतलब किसी की नीड ही नहीं थी, डजंट मैटर भाई, बंदे ने अकेले मतलब पूरी फिल्म को अपने सर पे उठा के रखा था, मतलब ऐसा भौकाल एक्टिंग और ऐसी भौकाल एंट्रीज, मतलब ऐसी भौकाल वाली यार इसकी एक्टिंग देख के यार सरप्राइज हो गए थे। आखिर ये चीज हमें देखने को मिली थी लास्ट टाइम कबीर सिंह, और सेम उसी का प्रो वर्जन यार हमें देखने को मिला एनिमल के अंदर। तो यार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यार नो डाउट रणवीर सिंह इज बेटर, बट ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार जो 12th फेल मूवी थी वो खराब थी या फिर एनिमल जो मूवी थी वो खराब थी, सबकी अपनी अपनी चॉइस थी, सबने अपना अपना टेक लिया था, बट यार अगर तुम ही सोच के देखो एज पर जेन्युइन एज पर डायरेक्टर तो यार रणवीर सिंह यहाँ पे जीत जाते। तो खैर यार ये तो था मेरा ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि यार रणवीर कपूर बेटर थे या फिर विक्रांत, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि यार किससे अवार्ड मिलना चाहिए था। उसके बाद बात कर लेते हैं यार बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड के लिए। तो यार ये अवार्ड उसे मिला गया जो कि यार नेपोटिज्म की जीती जागती पहाड़ है, कोई सबूत नहीं ना कोई सुराग, जीती जागती पहाड़, मतलब आलिया भट्ट। मतलब कि यार बॉलीवुड वालों तुमको इतनी से भी तरस नहीं आई मेधा के ऊपर, जरा सोच के देखो यार 12th फेल में उस बंदी ने मतलब न्यू फ्रेश एक्टिंग के साथ साथ मतलब फर्स्ट उसकी मूवी थी भाई, और उसने उस मूवी में जो तहलका मचाया था 12th फेल में, वो यार मतलब कहाँ ये आलिया पालिया, मतलब सब बेकार है यार, तुम सोच ही नहीं सकते क्या जबरदस्त एक्टिंग की थी उसने। बट नहीं, तुमको तो किसको देना है, भट्ट फैमिलीज को, जो स्वयं भट्ट स्वाहा कर देती है भाई मूवीज की। तो यहाँ जो तुमने सबसे घटिया काम किया है वो है एक्ट्रेस को लेकर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मेधा को ही मिलना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है गाइज, मुझे नीचे मेंशन जरूर करना कमेंट में कि यार आखिर ये लोगों ने सही किया या गलत किया। उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं यार गदर को, जवान को, ये सब कहाँ गए मूवीज, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज आई थी, गदर को ये लोग ने उठा के सीधा साइड में कर दिया, नो अवार्ड तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, निकलो झोला पोती लेके। उसके बाद आ जाते हैं जवान के ऊपर, जवान को एक भी अवार्ड नहीं मिला, खाली किसको मिला, रेड चिलीज, मतलब जिन्होंने VFX दिया था जवान को, मतलब इतनी घटिया स्टोरी थी के जवान, जरा सोच के देखो यार इतनी तगड़ी मूवी थी, आई नो यार मतलब इतनी बेस्ट मतलब स्टोरी बिल्ड की गई थी, एक किसान की स्टोरी को लेके आपने सुना ही होगा,
मूवी जब मैं देख रहा था यार, लिटरली बोल रहा हूँ, आंसू आने वाले थे, इतनी इमोशनल स्टोरी थी यार, एकदम रियल लाइफ से मतलब कनेक्ट कर गए, और तुम यार उनसे यार मतलब कचरे की तरफ बाहर फेंक रहे हो। और रही बात सैम बहादुर की, तो यार मुझे वो कुछ वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं आई थी फिल्म, अगर तुमने उसको साइड कर दिया तो यार डेट इज़ ओके, मैं उसके लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ। बट यार एज अ तुम यार विकी कौशल को इतना जल्दी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यार उस बंदे ने जो एक्टिंग की है एज अ सैम बहादुर में यार, माँ कसम जबरदस्त, मतलब दिल जीत लेता है बंदा, क्या एक्टिंग है। उसके बाद बात आती है यार बेस्ट डायलॉग मूवीज को लेके, आपको क्या लगता है कि यार रॉकी की रानी में एक भी ऐसा ढंग का सीन था या एक भी ऐसा डायलॉग था जो कि यार तुम्हें अच्छा लगे? एक तो यार तुम यार ये चमन प्राश वाली यार मूवी बनाते हो और तुम यार इन्हें अवार्ड भी दे देते हो, मतलब यार मतलब कि यार तुम किसी और की थाली किसी और को खाने दे रहे हो तो तुमको शर्म है यार? सच बोल रहा हूँ, बॉलीवुड एकदम से गिर गया। छोड़ो यार, हट, बात ही नहीं करना मुझे। तो छोड़ो यार, जाते जाते एक और चीज पे बात कर लेते हैं, वो है सॉन्ग को लेके। यार तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, क्या 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 सेंस बनता है इस गाने के लेके? मतलब मुझे बताओ यार, यार ना कोई मीनिंगफुल गाना है और उतना ही निहायती लीचड़ गाना है। और ये किस लिए मिला मुझे वो भी पता है, क्योंकि सारा अली खान थी उसके अंदर भाई, उन्होंने अवार्ड कैसे नहीं मिलता सॉन्ग को लेके? कुछ ना कुछ तो देना था, भले ही टैलेंट ना हो, इसीलिए उन्हें ये अवार्ड मिला गया। तुम ही बताओ गाइस, तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मुझे ये बताओ पापा मेरी जान, यार ये जो सॉन्ग है क्या खराब था यार, लिटरली बोल रहा हूँ, ये गाना पापा को लेके यार यहाँ यहाँ टच करता, यहाँ सच बोल रहा हूँ। और ये निहायती भाई यार, मतलब उस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देते, मतलब सीधा इमोशन के साथ खेलते हैं भाई, किस चीज़ का फेयर करते हैं ये लोग, सीधा अनफेयर अवार्ड देते हैं ये सबको। तो यार इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।